डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे नवोदय क्लास के कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को, जो कि 2018 का कंप्लीट क्वेश्चन पेपर होने वाला है। और ये क्वेश्चन पेपर उन बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे क्लास 9th की प्रिपरेशन को कर रहे हैं, और जो बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय स्कूल के अंदर, उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से पहले इंस्ट्रक्शंस को आपको ध्यान से पढ़ना होता है। यहाँ पे आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने होते हैं, जो भी रिस्पॉन्सेस हैं गोले के उनको आपको अच्छे से फिल करना है। इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और जनरल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं जो कि सेक्शन वाइज डिवाइड होते हैं, और यहाँ पे आपको हिंदी के 15 क्वेश्चन, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के 35 और जनरल साइंस के 35 क्वेश्चन हो सकते हैं। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन पेपर में इंग्लिश का पेपर पहले आ जाए, हिंदी का उसके बाद आए, तो सेक्शन ऊपर नीचे हो सकते हैं, राइट। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 1 से लेकर के 15 तक के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व आउट करेंगे। सबसे पहले आपको पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और उनका जो बेस्ट आंसर हो सकता है उसमें से आपको फाइंड आउट करना है जो भी 4 अल्टरनेटिव दिए हुए हैं, राइट। देखिए यहां पर ये एक पूरा का पूरा आपको पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है, इसको समझने की कोशिश करना है कि इस पैसेज के अंदर चीजें किस तरीके से दी हुई हैं और कैसे आप इन्हें समझ सकते हैं। यहां लिखा हुआ है, चैमेलियंस कैन मेक देयर स्किन कलर चेंज, अपने कलर को चेंज कर लेते हैं, राइट। बट नॉट बिकॉज दे डिसाइडेड टू, द कलर चेंजेस टू हेल्प चैमेलियन अवॉइड द एनिमीज। ये अपने कलर को इसलिए चेंज कर लेते हैं क्योंकि जो भी इनके दुश्मन होते हैं वो उनसे वो दूर हो पाते हैं, राइट। और इसके अलावा लिखा है, इट इज अ फॉर्म ऑफ कैम्फ्लेक्स, राइट। ये जो फॉर्म है वो किस चीज का फॉर्म है, वो कहीं ना कहीं जो फॉर्म है वो एक कैम्फ्लेज का फॉर्मेट है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको चैमलेंस का मतलब नहीं पता, इनको हम कहते हैं हिंदी में गिरगिट, राइट। कहते हैं ना गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, तो गिरगिट इसको कहा जाता है। और यहां लिखा हुआ है, डिस्गाइज दे ब्लेंड विथ इन द सराउंडिंग, द चेंज आर एक्चुअली डिटरमाइंड बाय द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। और उनके अंदर जो चेंज होते हैं वो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से चेंज होते हैं, सच एज लाइट्स एंड टेम्परेचर। उसके अंदर लाइट्स, टेम्परेचर, उन सब चीजों का रोल होता है। ब्राइट सनलाइट कॉज टू स्किन गेट डार्कन, ब्राइट सनलाइट की वजह से स्किन जो होती है वो डार्कन हो जाती है। ऑन कूल नाइट द कलर फेड द क्रीमी कलर, और कूल नाइट्स में जो उनका कलर होता है वो क्रीमी कलर का हो जाता है। द कलर ऑल्सो चेंजेस वेन चैलमेंस एक्साइटेड, एंग्री एंड अफ्रेड। जब वो गिरगिट जो होता है वो एक्साइटेड होता है, एंग्री होता है, गुस्सा होता है, डरा हुआ होता है, तभी भी उसके कलर के अंदर चेंजेस दिखते हैं। द कलर चेंजेस इज रैपिड एंड इंक्रीज वेन चैमलेन इज हैंडल्ड इंजर्ड अप्रोच बाय अनदर चैमलेन। कभी कभी एक गिरगिट अगर दूसरे गिरगिट के ऊपर हमला करता है, तभी भी अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो भी उसके कलर चेंजेस होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ चैमलियंस, राइट। बहुत तरीके के गिरगिट होते हैं, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम आर फाउंडेड ऑन द अफ्रीकन आइसलैंड ऑफ मद्रागेशर, और उसमें से आधे से ज्यादा जो प्रजातियां हैं वो अफ्रीकन आइसलैंड के अंदर जो मेडेस्कर है वहां पे पाए जाते हैं। द अदर्स मोस्टली अकर इन सहारा डेजर्ट्स, और जो बाकी चीजें हैं वो सहारा डेजर्ट्स में हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा द फ्यू इन वेस्टर्न इंडिया, कुछ आपको वेस्टर्न इंडिया के, एशिया के अंदर, साउथर्न यूरोप के अंदर। और चैमेलियंस लीव इन ट्रीज, कुछ पेड़ पे रहते हैं। वेयर दे यूजली ईट इंसेक्ट्स, जो ज्यादातर कीट पतंगों को खाते हैं। वेरी लार्ज चैमेलियंस में इवन यूज टू स्टिकी टंग्स टू कैच बर्ड्स, और जो बड़े बड़े होते हैं वो अपने स्टिकी टंग्स की मदद से बर्ड्स को भी पकड़ लेते हैं। तो ये पैसेज है कंप्लीटली, तो अब इस पैसेज के ऊपर जो बेस्ड है उसके हम आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं कि आज अ चैमेलियंस कलर चेंजेस टू हेल्प इट, कलर को चेंज करने से उनको क्या मदद मिलती है, वो अपने जो दुश्मन होते हैं उनको अवॉइड कर पाते हैं। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से
अगर हम सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करें जिसमें लिखा हुआ है कि शैम्बलियंस चेंजेस कलर्स व्हेन दे आर, जब वो डरे हुए होते हैं, एक्साइटेड होते हैं और एंग्री होते हैं तो उनके कलर चेंजेस होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है, राइट? ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस आपको दिख जाएगा यहाँ पे, तो ये इसका सही आंसर है। और इसी तरीके से अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ भी आएंगी कि क्या दिया हुआ है, कि द कलर चेंजिंग एबिलिटी ऑफ द चैमलियन इज अ फॉर्म ऑफ कैम्फ्लेज विच इज अ, ये डायरेक्टली पैसेज से ही क्वेश्चन पूछा है, तो डिस्कस दैट लेट्स इट्स ब्लेंड इन विथ इट्स सराउंडिंग, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, द कलर चेंजेस आर डिटरमाइंड बाय, कलर चेंजेस किसके द्वारा डिटरमाइंड होते हैं, लाइट एंड प्रेशर के द्वारा डिटरमाइंड होते हैं, राइट? इसी तरीके से अगर हम आगे चले चीजों को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाफ ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड्स शैम्बलियंस आर फाउंड बिकॉज ऑन द अफ्रीकन आइसलैंड्स ऑफ मेडेश्कर, राइट? अफ्रीकन आइसलैंड में ये पाए जाते हैं, आधे से ज्यादा जो उनकी प्रजातियां हैं, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है, राइट? अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 18 तक, राइट, 1 से लेके 5 तक पैसेज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन थे, 6 से लेके 18 तक जो ब्लैंक पार्ट्स है उसमें क्या एक अल्टरनेटिव हो सकता है उसको हमें फाइंड आउट करना है। हाउ मच डिड यू स्पेंड डैश रोजेस, राइट? तो आप कह सकते हो हाउ मच डिड यू स्पेंड ऑन रोजेस, राइट? ऑन का यूज करना है और प्रीपोजिशन यहाँ पे ऑन यूज होगा, राइट? इसी तरीके से आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम डैश आई शॉ हिम, तो आप कह सकते हो आई कुड हार्डली रिकॉग्नाइज हिम वेन आई सॉ हिम, तो वेन का जो मीनिंग होगा वो करेक्ट होगा। इसी तरीके से आवर टीचर इनकरेज्ड डैश सिटिंग द पोयम टू म्यूजिक, राइट? तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है कि आवर टीचर इनकरेज्ड हिज सेटिंग द पोयम टू म्यूजिक, राइट? तो हिज यहाँ पे होगा, हिज सेटिंग इज द करेक्ट ऑप्शन, ये एक प्रोनाउन है। यहाँ पे हमें करेक्ट पैसिव फॉर्म्स देखना है, ये सेंटेंस लिखा है कि डोंट सब्जेक्ट्स एनिमल्स टू क्यूरिलिटी, राइट? तो यहाँ पे डोंट सब्जेक्ट लिखा हुआ है, चूंकि एक नेगेटिव वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, डू का यूज किया गया है, तो अब जब भी डू का यूज करा जाएगा तो आपको भी पता है कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करने के लिए आपको प्रेजेंट ये इज एम आर उसमें लगता है, उसके अलावा नॉट टू बी सब्जेक्टेड टू द क्रूशियल, राइट? तो या फिर ये होगा या फिर शैल नॉट बी होगा, तो यहाँ पे डोंट सब्जेक्ट द एनिमल टू बी क्रुएलिटी लिखा हुआ है, डोंट लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वही करेक्ट होगा, राइट? यानी कि आर के साथ में नॉट आएगा, आपको पता है इसका फुल फॉर्म, ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट, ये इसका जो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू डज, राइट, प्लस नॉट नेगेटिव में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे क्या होता है ऑब्जेक्ट आ जाता है, और डू डज के जस्ट, डू डज को हम किस में चेंज कर लेते हैं, इज एम आर फिर प्लस नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट? तो सब्जेक्टेड टू क्रेवलिटी होगा। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 10 और 11 के बारे में बात करें तो हमें क्लॉज को कंप्लीट करना है, जो सेंटेंसेस हैं उन्हें कंप्लीट करना है, तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए राइट जो सेंटेंस होगा, जो राइट वर्ड होगा वो क्या होगा। नो वन नोज, नो वन नोज हु इज ही, कोई नहीं जानता कि वो कौन है, हु इज ही। इसी तरीके से लिखा हुआ, सी विल नॉट लेट यू गो, सी विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू ब्लेस हर, अनलेस यू ब्लेस हर, अनलेस यू ब्लेस हर, राइट? सी विल नॉट लेट यू गो अनलेस यू ब्लेस हर। इसी तरीके से अब हम क्वेश्चन डाल रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 है उसके बारे में बात करते हैं, कि चूज द वन वर्ड विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स स्लैश सेंटेंसेस, राइट? तो 12 और 13 में क्या दिया हुआ है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कि हमें वन वर्ड देखना है, दैट विच कैन नॉट बी ड्रंक, जो कभी नहीं पीता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पैलेटेबल, राइट? क्या कहते हैं, पैलेटेबल कहते हैं, जो विच कैन बी ड्रंक, जिसको पिया जा सके, जिसको पिया जा सके, सॉरी, उसको हम
पैलेटेबल कहते हैं, और समथिंग दैट इज बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, जो पावर ऑफ नेचर के बियॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं सुपर नेचुरल। जो सुपर नेचुरल चीज होती है वही पावर ऑफ नेचर के बियॉन्ड होती है, उसको हम सुपर नेचुरल कहते हैं। 14 और 15 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस चूज द वर्ड अपोजिट टू मीनिंग द गिवन वर्ड, गिवन वर्ड के अपोजिट आपको बताना है। बोस्टरस लिखा हुआ है और इसका जो मतलब होता है वो होता है जो बहुत ही हल्ला गुल्ला वाली जगह होती है उसको हम कहते हैं क्वाइट, इसका होगा अपोजिट है क्वाइट, बिल्कुल शांत। चलिए आगे चलते हैं, और यहां भी हमें बताना है वेटेरियन, वेटेरियन का मतलब होता है और इसका अपोजिट होगा नोवाइस, राइट। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसकी मीनिंग को भी जानना चाहते हैं कि हम इसको एक्चुअल में हिंदी में क्या कहते हैं जिसमें लिखा हुआ है वेटेरियन, राइट। तो इसका मतलब होता है जो अनुभवी व्यक्ति होता है उसको हम कहते हैं वेटेरियन, राइट। वेटेरियन का मतलब होता है जो व्यक्ति अनुभवी होता है, जो पुराना होता है उसको हम कहते हैं। और यहाँ पे जो नोवाइस जो होता है वो बिल्कुल जो नौसिखिया होता है उसको हम कहते हैं, जो नौसिखिए लोग होते हैं उनको हम नोवाइसेस, नोवाइस कहते हैं। तो ये थे हमारे इंग्लिश के कंप्लीट क्वेश्चंस। अब यहाँ से चालू होते हैं हमारे हिंदी के कंप्लीट क्वेश्चंस, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि ये वाक्य जो लिखा हुआ है वो किस किस काल में लिखा हुआ है, किस टेंसेस में लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है श्याम कल मुंबई जाएगा, जाएगा है यानी कि ये भविष्य काल है, क्या है, फ्यूचर टेंस है। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है श्याम कल मुंबई जाएगा, तो वाक्य में कौन सा ये टेंस है ये आपको बताना है। तो एग्जैक्टली इस सेंटेंस में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर टेंस, ये फ्यूचर टेंस होगा यानी कि भविष्य काल होगा। और ये लिखा हुआ है समुद्र अधिक गहरा है, समुद्र अधिक गहरा है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा। समुद्र अधिक गहरा है, अधिक गहरा नहीं होता है, बहुत गहरा होता है, राइट। तो बड़ा गहरा भी नहीं होगा, अधिकांश नहीं, बहुत गहरा है। अधिक किसी जब हम कोई चीज खाते हैं वहां पे यूज करते हैं, बहुत मतलब बहुत गहरा है, राइट। तो समुद्र बहुत गहरा है, इसका शुद्ध रूप यही होगा, ऑप्शन नंबर सी। सजीव का जो विलोम है वो निर्जीव होता है, राइट। तो आप कह सकते हो कि इसका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में बात करें कि भवन या भुवन भिन्नार्थक शब्दों के उचित युग्मों का चयन कीजिए, तो भवन और भुवन को हम कहते हैं मकान, संसार, इसको ही ये युग्म है, राइट। तो ये इसका जो युग्म है वो क्या होगा, मकान होगा, संसार होगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 20 से लेके 24 तक जो पैराग्राफ दिए उनको आसानी से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनके आंसर्स आपको देना है। और यहाँ पे बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है जो कि पैसेज है, और पैसेज को ध्यान से आपको पढ़ना है। जब आप पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे तो आसानी से किसी भी आंसर्स को आप दे पाओगे, राइट। ये लिखा हुआ है सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों को सदा के लिए बांध देते हैं। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से, कभी लड़ने मरने से, खून बहाने से, तोप तलवार से के सामने बलिदान करने से, तो कभी जीवन के गुण तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अनंत प्रेरणा है, जब कभी उसका विकास हुआ तभी एक रौनक, एक रंग, एक बहार संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है, वीरों को बनाने के कारखाने नहीं होते, वे तो देवदार के वृक्ष की भांति जीवन रूपी वन में स्वयं पैदा होते हैं, और बिना किसी पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए बढ़ते हैं। जीवन के केंद्र में निवास करो और सत्य की चट्टान पर दृढ़ता के साथ खड़े हो जाओ। बाहर की सतह छोड़कर जीवन के अंदर की तहों में पहुंचो, तब नए रंग खिलेंगे, यही वीरता का संदेश है। पैसेज पढ़ के आपको समझ आ चुका होगा कि वीरता कैसी प्रेरणा है। वीरता अंतः प्रेरणा है, बाहर की प्रेरणा नहीं है, राइट। इसी तरीके से देवदार वृक्ष से
किसकी तुलना की गई है? देवदार वृक्ष से तुलना की गई है, वीर पुरुषों की, वीरों की तुलना की गई है, राइट। निम्नलिखित में से कौन सा रूप वीरता का नहीं है? कौन सा रूप वीरता का नहीं है? क्रोध, युद्ध, त्याग और दान। तो आप कह सकते हो कि यहां पे जो वीरता का रूप नहीं है वो है क्रोध, राइट। वो युद्ध, त्याग और दान, ये वीरता का दान है, क्रोध नहीं है। वीरता का एक विशेष लक्षण है, वो क्या है? वीरता का एक विशेष लक्षण है जिसको हम कहते हैं नयापन। क्या कहते हैं? नयापन कहते हैं। वीरता का एक विशेष लक्षण नयापन है। इसी तरीके से वीरता का संदेश क्या है? वीरता का संदेश क्या है? तो वीरता का संदेश है उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना। उद्देश्य के लिए सच्चाई पर चट्टान की तरह अटल रहना, ये वीरता का संदेश है। चलिए आगे चलते हैं। और ये लिखा हुआ, लोहे के चने चबाना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? लोहे के चने चबाना का मतलब होता है कठिन कार्य करना। क्या? कठिन कार्य करना। आगे चलते हैं। और ये लिखा हुआ है, अतिथि का पर्यायवाची है। अतिथि का पर्यायवाची है, अतिथि का पर्यायवाची होगा आगंतुक। क्या होगा? आगंतुक को हम अतिथि भी कहते हैं। इसी तरीके से लिखा हुआ है, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द है अद्वितीय। क्या? अद्वितीय, राइट। अचल का मतलब जो बिल्कुल अचल चीजें हैं, जो चल नहीं सकती हैं। अनगिनत मतलब जिसके कोई काउंटिंग नहीं है। अभिज्ञ, जो नहीं जानता हो, अभिज्ञ हो, जो जिस समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय वर्ड होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो आविष्कार जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। आविष्कार नहीं होता, आविष्कार नहीं होता, अवनिष्कार नहीं होता, आविष्कार, ये करेक्ट वर्ड है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है वही इसके अंदर करेक्ट और शुद्ध शब्द है। अब 29th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो जब भी बात की जाए उत्पत्ति के आधार पे, तो शब्दों को चार भागों में डिवाइड किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम और शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण, जिस भी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेष्य कहते हैं। उस शब्द को हम विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब ये जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है ना, 31st से लेकर के 65 तक, अब ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास लॉजिक्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपके लॉजिक्स सही होंगे, आपके फॉर्मूले क्लियर होंगे, तो आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझ पाओगे। तो पहला क्वेश्चन मैथमेटिक्स का लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखियो, सब में 7 का आपको डिवाइड करके देखना है। तो जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो डिवाइड नहीं होगी, इसमें भी डिवाइड नहीं होगी, इसमें भी डिवाइड नहीं होगी, लेकिन जब हम इसमें डिवाइड करेंगे 105 में, तो ये कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 7 1 7 और यहाँ पे हो जाएगा 3 और ये 5, 7 5 35, राइट। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ऑप्शन नंबर जो फोर्थ वाला है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे चलते हैं। और यहां पे लिखा हुआ है कि यदि किसी संपत्ति के 2/3 भाग का मूल्य 7,000 रुपये हो, तो 1/3 भाग का मूल्य ज्ञात करो। देखो, हमें पता है कि 2/3 भाग का मूल्य आपको पता है, मतलब 2/3 भाग जो है इसके बारे में आपको पता है कि 2/3 जो भाग है ये किसके बराबर है, वो 7,000 के बराबर है। और आपको 1/3 अगर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले एक भाग का आपको पता करना पड़ेगा कि कितना है, फिर तो आप 1/3 का भी फाइंड आउट कर लोगे। तो
तो इसके लिए 7000 में सबसे पहले ये जो 3 है इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, और ये जो 2 है अगर ये ऊपर है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ये हो जाएगा राइट। तो एक भाग की तो ये हो जाएगा। अब आपको 1/3 भाग का निकालना है मूल्य, तो एक भाग का तो ये कंप्लीट है 7000 मल्टीप्लाइड बाय 3 अपॉन 2, और इन सब का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3 से, तो 1/3 भाग का भी यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अगर इसको और इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अगर इसको भी डिवाइड करेंगे तो ये 35000 में क्लियर हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 3500 आएगा। यहाँ पे 7000 है, यहाँ पे मैंने 10 एक्स्ट्रा लिख दिया तो 10 यहाँ भी नहीं आएगा, यानी कि ये जो आंसर होगा वो 3500 आंसर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि 7000 है ना कि 70000 राइट। तो 3500 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। एक भाग का निकाल लिया, फिर उसके बाद हम 1/3 काम ने निकाल लिया, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो आ चुका है। यहाँ पे मैं करेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे 7000 दिया हुआ राइट, इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 3500 आएगा, और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3500 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के बारे में बात कर लेते हैं कि 5 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर और 4 मीटर का सेंटीमीटर में मान कितना होगा। 5 हेक्टोमीटर, 7 डेकामीटर और 4 मीटर का सेंटीमीटर में कितना मान होगा। देखिए सबसे पहले तो 5 हेक्टोमीटर को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में राइट, सेंटीमीटर में पूछा है, तो 5 हेक्टोमीटर को अगर चेंज करेंगे हम सेंटीमीटर में तो हमें 10000 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर क्या होता है। 1 हेक्टोमीटर बराबर होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये होता है आपका 10000 सेंटीमीटर राइट। तो इसलिए हमने 10000 का मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि जब आप इसको चेंज करोगे तो ये होगा आपका कंप्लीटली 50000 सेंटीमीटर। अब डेकामीटर का पूछा है तो 7 में हम 1000 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 डेकामीटर बराबर क्या होता है, वो होता है 1000 सेंटीमीटर राइट। तो मैंने यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 7000 आ गया, और 4 मीटर दिया हुआ है तो 4 मीटर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो ये हो जाए आपका, आ जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर राइट। क्योंकि हमें पता है यहाँ पे कि 1 मीटर बराबर क्या होता है, ये होता है 100 सेंटीमीटर। इन सबको आप प्लस कर लीजिए, चाहे वो 50000 दिया हो राइट, 50000 दिया हो, उसके बाद आपको दिया है ये 7000 राइट, इसके अलावा आपको दिया हुआ है 4000 400, इन सबको कर लो जीरो, ये जीरो, ये 4, ये 7 और ये 5 राइट, तो 57400 राइट, क्या हो जाएगा 57400 राइट, 57400 ये इसका आंसर हो जाएगा 57400 राइट, 57400 इज द करेक्ट ऑप्शन राइट, ये 7000 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसके आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि इसमें जो आंसर दिया हुआ है 57400 ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राइट, 7000 और ये 400, तो 57400 करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली चीजों के अंदर क्या दिया हुआ है, किस तरीके से दिया हुआ है, तो हम अच्छे से आंसर्स को सीख पाएंगे राइट। 57000 है ये, 50000 है, और मैंने यहाँ पे ज्यादा जीरो लगा दिया था एक, तो 57400 करेक्ट ऑप्शन होगा। 34th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्या दिया हुआ है, कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि $1 का मूल्य 12.40 रुपए है, $1 का मूल्य जो दिया हुआ है यहाँ पे वो 12.40 रुपए है, $1 का मूल्य जो 12.40 रुपए दिया हुआ है, तो हमें $24,800 में कितना होगा। वैसे 12.40 रुपए का आज डॉलर नहीं है, आज 82-81 का है जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं इस समय पे, तो यहाँ पे हम 12.44 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12.40 का मल्टीप्लाई, इसको हमें डॉलर में करना है ना, तो डिवाइड कर देंगे।
अगर डॉलर में चेंज करना है तो डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो इसका डिवाइड हम करेंगे, ये ऐसा होगा क्वेश्चन, इसको मैं रफ कर लेता हूँ। एक डॉलर में इतना होता है, तो आपको बताना है कि कितने डॉलर होंगे, किस में? 24800 में ये 112.40 कितने डॉलर होंगे, राइट। देखो ये पॉइंट दिया हुआ है ना, इस पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे दो जीरो और बढ़ा देंगे। अगर आप इस पॉइंट को हटाते हो अगली स्टेप में, तो 24800 लिखा हुआ है, तो इसमें दो जीरो और कर लो, 100 का मल्टीप्लाई कर लो, और ये 1240 कर लो, जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट कर लो, और इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे इसको, तो ये दो बार में हो जाएगा और ये 30 आ जाएंगे, यानी कि 2000 डॉलर होगा। कितने डॉलर होंगे? 2000 डॉलर होंगे। डायरेक्टली कुछ नहीं करना, केवल आपको डिवाइड करना है, ऑटोमेटिक इसके आंसर्स आपको दिख जाएंगे और आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब हम 35th वाले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि 10 से कम सभी धनात्मक सम संख्याओं का योग क्या हुआ, 10 से कम सभी धनात्मक सम संख्याएं कौन सी होंगी। देखिए, एक तो आपका 2 हो जाएगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, क्योंकि अगर 10 लिखूंगा तो वो 10 हो जाएगा, इससे कम चाहिए, इन सब का प्लस पूछा है। तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, 18 और 2 20, 20 इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वही इसका सही ऑप्शन होगा। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर कि एक दुकान पर जनवरी से मई माह तक बेचे गए पंखों की संख्या कितनी है, जो कि आपको ग्राफ में दिखाया गया है। जनवरी से लेकर के मई माह तक जो है ग्राफ में आपको दिखाया गया है। और देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर ग्राफ की अगर आप बात करते हो ना, तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से बना हुआ है इस क्वेश्चन के लिए। मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर देता हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आए, राइट। देखो यहाँ पे ग्राफ आपका दिया हुआ है, राइट। इस तरफ दिए हुए हैं मंथ, जैसे कि ये दिया हुआ है आपका जनवरी, ये आपका फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई और ये जून, राइट। और यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, राइट। यहाँ पे आपको नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि ये दिया हुआ है आपको 15, राइट। ये हो गया 30, हो गया 45, हो गया 60, हो गया 65, राइट। तो अगर हम बात करते हैं कि जनवरी, जनवरी का है 15, फरवरी का जो ग्राफ है वो 20 है, यानी कि 15 से थोड़ा सा ज्यादा है फरवरी का, और ये 20 पे आ गया है, 20 पे, राइट। और इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो ये 25 पे है, यानी कि इससे थोड़ा सा ज्यादा मार्च का, ये मार्च का है 25, ये 25 है और ये 20 है और ये 15 है। और मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का है सीधे 50, यानी कि यहाँ पे है अप्रैल का सीधे 50 है, यहाँ पे 50 है अप्रैल का। और मई का जो दिया हुआ डेटा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई का दिया हुआ 65, राइट। तो यही लास्ट है आपका, मई जून नहीं है यहाँ पे। तो इसमें 5 जो ग्राफ में दिखाया गया है ये 65 है, तो कुल कितने होंगे? तो सबसे पहले तो आपके पास 15 दिया हुआ है, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, फिर दिया हुआ है 50, फिर 65, राइट। इन सबको प्लस कर लो, एग्जैक्टली आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा, राइट। बहुत सिंपल है इसके आंसर्स को फाइंड आउट करना। अगर आप इन सबको प्लस कर दे तो इसमें 15 भी है, 20 है, 25 है, 50 भी है और 65 है। इन सबको अगर आपन प्लस कर देते हैं, राइट, तो ये देखो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 7 और ये 117, राइट, 175, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, और ये लिखा हुआ है कि एक ड्रम में 250 लीटर तेल था जिसमें 5% तेल रिसने से बर्बाद हो गया, तो ड्रम में कितना तेल बचा। देखिए 250 लीटर तेल का 5% अगर बर्बाद हो गया, तो सबसे पहले इसका 5% निकाल लेंगे, 5/100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये इसको कैंसिल आउट किया टू बार में, 25/2 दिया हुआ है, यानी कि 12.5 होगा इसका, क्या होगा 12.5। अब 250 में से 12.5 माइनस कर दो भाई, 250 में से 12.5 माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा 12.5 माइनस कर देते हैं, तो ये 5 हो जाएगा, और ये 9 है तो ये 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है तो ये 3 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, 237.5,
237.5 यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला दिया हुआ है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में बात कर लेते हैं कि यदि प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ का योग एक समान है तो एक्स और वाई के मान क्या होंगे। पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो और कॉलम में अगर आपको योग दिया हुआ है एक समान, उनका जोड़ एक समान है, चाहे आप किसी भी बेसिस पे करो, अगर एक समान है तो इसके कौन सा होगा आपका करेक्ट ऑप्शन। राइट, देखो एक चीज बहुत सिंपल है, 38 वाले में है ना आपको दिया हुआ है एक टेबल 38 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और उस वो टेबल यहाँ पे मिसिंग है। तो सबसे पहले तो हम उसको टेबल को लिखने वाले हैं। राइट, 38 नंबर में जो दिया हुआ है उसको हम सबसे पहले करने वाले हैं ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ये टेबल कुछ इस तरीके से बनी हुई है जो कि यहाँ पे बन नहीं पाई है, और ये कुछ टेबल इस तरीके से लिखी हुई है। राइट, इस टेबल में एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसमें लिखा हुआ है 8 4, और यहाँ पे लिखा है वाई, लिखा हुआ है 7 8 और 3, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स वाई और 9। सबसे पहली बात कि इसमें रो और कॉलम दोनों में सेम आ रहा है, तो इसको अगर प्लस हम करते हैं तो 7 और 3 10, 10 और 18, मतलब इसका जो आंसर आ रहा है ना प्लस करने पर वो 18 आ रहा है। सिंपल सी बात है कि यहाँ पे अगर 8 है और यहाँ पे 4 है तो 8 और 4 12, 12 में कितना जो ऐड करेंगे कि 18 हो जाएगा, 6 ऐड कर देंगे, यानी कि y की वैल्यू तो मिल चुकी है तो ये भी 18 हो चुका है। अब ये 6 है और ये 3 है, और ये 6 3 और 9, ये भी 18 हो चुका है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, y की वैल्यू 6 हमने फाइंड आउट कर ली, इसको भी 6 रख लो, तो 9 और 6 हो जाएंगे आपके 15, 15 और 3 18, ये भी देख लो अब 18 हो गया, ये भी 18 हो गया, सब 18 हो गया। 3 और 6 इसके आंसर होंगे, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट होगा वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। राइट, चलिए आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है, कैसे अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में कि चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में कितने परसेंट की कमी की जाएगी कि उसके खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। राइट, खपत में कितना कमी करना पड़ेगी ये आपको बताना है। देखिए सबसे अगर हम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम जो चाय है उसकी कीमत है 100 रुपये। राइट, और मेरी खपत भी 1 किलोग्राम है, लेकिन 25% कमी हो जाती है, कितने परसेंट की, 25% की कमी हो जाती है, कितने परसेंट की कमी हो जा रही है, 25% की कमी हो जाएगी, यानी कि अब मुझे कितना खत्म करना है, 25% 100 का 25% यानी कि 75 ग्राम, कितना कमी कितनी हो गई, कितनी की कमी हो गई, 25% की वृद्धि हो जाती है, सॉरी, तो 100 में ये वृद्धि हो रही है, सॉरी, इसको अब हम इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, इसको रफ कर लेते हैं, अब इसको मैं अच्छी तरीके से सॉल्व कराता हूं। देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले तो ध्यान से पढ़ना है, और क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने के बाद में आपको ये चेकआउट करना है कि इस क्वेश्चन में इसका करेक्ट आंसर, सटीक आंसर किस तरीके से आएगा। चाय के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि चाय की कीमत 100 रुपये थी, इसमें 25% की वृद्धि हो रही है, तो अब ये कितनी हो गई, 125 रुपये। राइट, 25% का मतलब क्या हुआ, 25% का मतलब हुआ कि 25 रुपये की वृद्धि हो गई, तो 125 रुपये की वो चाय हो गई। तो अब ये पूछ रहा है कि कितने परसेंट की कमी की जाए कि चाय की कीमत वापस कोई परिवर्तन ना हो, खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, क्योंकि आप खर्च तो 100 रुपये ही कर रहे हो। राइट, तो अगर हम देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है। राइट, तो अगर मैं देखूं कि खर्च में कितने परसेंट की कमी करनी होगी, ये चीज आपको देखना है, तो हमें करनी तो है 25 रुपये की, क्योंकि 125 पर कमी होगी, 125 पर आपको कमी करनी है 25 रुपये की, तभी तो वो 100 के पे पहुंचेगी, इसका आप परसेंट निकाल लो, तो ये 5 बार में होगा,
और 5 से ये 20 बार में, तो 20% की क्या होगी कमी, 20% की क्या होगी कमी होगी, 20% की कमी हो जाएगी। तो चाय के मूल्य में 25% की अगर वृद्धि हो जाती है तो उसके खपत में अगर हम 20% की कमी कर देते हैं तो खर्च में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, किसी साधारण ब्याज कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में उसका जो धन है वो 2/5 गुना हो जाएगा, ये आपको बताना है। सबसे पहले किसी धन का हमें प्रिंसिपल नहीं पता। देखिए जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट का उसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए प्रिंसिपल जो होता है ना वो हमें नहीं पता है, रेट आपको, रेट भी आपको नहीं पता है कि रेट उसका क्या है, बस टाइम का पता है 10 साल में, 10 साल पता है, 10 साल में कितना हो रहा है वो इंटरेस्ट उसका, वो 2/5 हो जा रहा है प्रिंसिपल का, राइट। तो अब हम सबसे पहले उसके रेट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि कितने परसेंट रेट होगा उसका। प्रिंसिपल का 2/3 ये तो आपको पता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहां से अगर मैं ये 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, इसके अंदर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं या 2p का मल्टीप्लाई कर दूं नीचे, तो क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यहां पे मैं ऐसा लिख सकता हूं पी इंटू आर इंटू 10/100, तो पहले से ही है ये 2p का मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल टू, आपके पास बचा 5, इधर 0 रख देते हैं, 5 को ऊपर पहुंचा देते हैं, इंटू 5 कर देते हैं। अब इसको सॉल्व करना है अपने को, तभी हमें पता चल पाएगा एग्जैक्टली पी से, तो ये पी आपका कैंसिल आउट हो गया, राइट, 2 से ये 5 बार में कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब ये 5 5 25 और 25 से ये 4 बार में कैंसिल, यानी आपके पास बचा क्या, यहाँ पे कुछ नहीं था, 1 बचा है, राइट, 1 बचा है, कुछ नहीं था तो 1 है ना, यहाँ पे आर अपॉन 4 इक्वल टू 1, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा 4%, क्या हो जाएगा 4%, यानी कि 4% जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, 4% जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इसमें समझने में दिक्कत आ रही है कि कैंसिल आउट कैसे होता है, तो आप यहां से इस तरीके से भी आप अपनी अप्रोच को रख सकते हो। यहाँ पे मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ यहाँ से सॉल्व करने का, एक तो 4% आ गया, यहाँ से भी कर सकते हो, ये 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। अब आपके पास बचा क्या, आपके पास बचा ये 2p/5 इक्वल टू पी इंटू आर अपॉन 10, राइट। देखो अगर हम इस 5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2p/p(r)(5/2, तो 5 से ये 10 जो है 2 बार में कैंसिल आउट हो गया। अब इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 4p हो जाएगा, 4p(p)= क्या हो जाएगा p(r), राइट। तो अगर मैं r फाइंड आउट करना है मुझे, तो इस p को नीचे ले आऊंगा, यानी कि 4p/p, p से p कैंसिल आउट, r की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आएगी। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, यानी कि जैसे भी सॉल्व करोगे आपका आंसर एक ही आना है, वो आएगा 4%। आगे बढ़ते हैं और 41 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का योग 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 7:3 हो जाए तो पिता की वर्तमान आयु क्या है, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:3 हो जाए तो पिता की वर्तमान आयु पूछी है। तो सबसे पहले इन दोनों की आयु का योग 40 वर्ष दिया है, मतलब ये मान के चलो कि एक तरफ है उसका सन और एक तरफ है फादर, दोनों की एज है 40 वर्ष। तो अगर मैं किसी को भी अगर एक्स मान लूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अगर एक्स है तो इसकी जो एज होगी वो एक्स माइनस 40 होगी, या 40 माइनस एक्स होगी ये, राइट, ये कितनी होगी 40 माइनस एक्स होगी, राइट, 40 माइनस
एक्स होगी, क्योंकि 40 माइनस एक्स को अगर मैं प्लस करूंगा तो ये 40 के बराबर होगा, क्योंकि माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सन की एज मैंने एक्स मान ली, फादर की 40 माइनस एक्स, अभी 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद क्या होगा, जो सन है उसकी एज तो एक्स प्लस 5 हो जाएगी, राइट। और जो पिता है जिसकी वर्तमान आयु अभी ये है, इसमें हमें 5 को प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 40 माइनस एक्स है उसकी, तो प्लस 5 इसमें कर दो, 5 साल बाद उसकी एज में 5 साल बढ़ जाएंगे। इनका रेशियो 7:3 दिया हुआ है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो एक्स प्लस 5 हो जाएगा, ये 40 और 5 45 हो जाएगा, यानी कि 45 माइनस एक्स इक्वल टू 7/3, राइट। अब देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको करना है, 3 का एक्स में करेंगे, 3x प्लस 15 इक्वल टू 45 में हम 7 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 315 होगा, माइनस 7x हो जाएगा। अब x x वाले टर्म्स को हम एक तरफ रखते हैं, राइट। तो 7x को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 3 आपका हो जाएगा 10x इक्वल टू, और 315 लिखा हुआ है ना, ये 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे यानी कि माइनस कर देंगे, तो 10x इक्वल टू 300। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 300/10, तो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, यानी कि x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 30। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 आएगी। ये आ गई पुत्र की आयु, तो पिता की आयु कितनी होगी, पुत्र की आयु से, पुत्र की आयु जो भी है उसमें से हम इन दो, ये एक्स की वैल्यू आई है अभी हमारी एक्स, राइट, एक्स 30 वर्ष, राइट। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने पिता की आयु एक्स मानी है, अगर पिता की आयु हमने एक्स मानी है यहाँ पे, तो इसकी 40 वर्ष हो जाएगी, राइट। किसी को भी मान लो आप इस तरीके से, अगर मैंने ये मान ली कि पिता की आयु ये है 40 वर्ष है, तो पुत्र की आयु क्या होगी, 40 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों की एज जोड़ करके 45 हो रही है, दोनों की जोड़ एज, तो ये सन की 40 माइनस एक्स होगी, राइट। तो पिता की इन दोनों का रेशियो ये दिया हुआ है हमें, तो इसका आंसर हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, राइट। यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी थी, तो फादर को एक्स मान लिया और सन को 40 माइनस एक्स कर लिया, इन दोनों का सम 40 है, सॉरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। किसी घन के एक सतह का क्षेत्रफल 256 वर्ग सेंटीमीटर है, कितना है, 256 वर्ग सेंटीमीटर उस सतह का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, राइट। और देखो तो घन की विकर्ण की लंबाई क्या होगी ये आपको बताना है। देखो जो क्षेत्रफल है ना, एरिया, एरिया ऑफ क्यूब होता है ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, और 256 आपको दिया हुआ है, और ए स्क्वायर की वैल्यू, ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि अंडर रूट 256, 256 किसका स्क्वायर रूट है, 16 का। सो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16। तो 16 ये तो इसकी वैल्यू आ गई, लेकिन हमें फाइंड आउट करना है घन का विकर्ण, और घन के विकर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट 3 × a, यानी कि अंडर रूट 3 में अगर हम a की वैल्यू पुट कर दें 16, तो ये हो जाएगा 16√3। तो ऑप्शन आएगा सेकंड वाला, 16√3 सेंटीमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात करते हैं, और इस 43 क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले तो इस 43 वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक पिक्चर बनी हुई है, सबसे पहले ग्राफ टाइप उसको हम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर्स स्किप हो गई है क्वेश्चंस में से, तो सबसे पहले उस पिक्चर को हम बनाएंगे जो कि ये 43 वाले क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है, पिक्टोग्राफ दिया हुआ, राइट। और देखो पिक्टोग्राफ में कुछ इस तरीके की पिक्चर बनी हुई है, और इसमें डे दिए हुए हैं, एक तरफ रविवार दिया हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है सोमवार, और एक तरफ लिखा हुआ है मंगलवार, राइट। और इसके अंदर यहाँ पे 3 पिक्चर्स बनी हुई हैं, यहाँ भी ये 3 पिक्चर्स बनी हुई है, 0 0 बना देता हूँ मैं, और ये भी 2 हैं, और यहाँ पे 5 हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और एक जो यूनिट है वो 35 पेटी को बता रहा है। तो अब आपको सॉल्व करना है,
क्वेश्चन को, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे इसके बारे में बात करना है आपको, इसको आपको बताना है कि इसका एक करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करके बतानी है। देखिए ये जो चित्र ग्राफ आपको दिया हुआ है ना, इस चित्र ग्राफ के अंदर आम की पेटियों को दर्शा रहा है ये जो रविवार के दिन 3, सोमवार के दिन 2 और 4 दिन की खरीद के बाद व्यापारी के पास 425 आम की पेटियां थी। कितनी थी? 425 आम की पेटियां थी उसके पास में। तो ये आपको सॉल्व करके बताना है कि उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ये चीज आपको फाइंड आउट करनी है। देखो अगर मैं ऐसा बोलूं कि उसके चौथे दिन कितनी आम की पेटियां खरीदी थी, तो रविवार के दिन कितनी पेटी खरीदी उसने, टोटल 3 यहां पे यूनिट दी हुई है और एक ये बता रही है 35 को, यानी कि रविवार के दिन जो उसके पास हो रही है वो 105 हो रही है। इसी तरीके से अब हम सोमवार का भी फाइंड आउट कर लेंगे कि सोमवार को वो कितनी कर रहा है, सोमवार को 2 दिया हुआ है, 2 का 35 यानी कि 70, और मंगलवार फिर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, फिर आपको मंगलवार दिया हुआ है, और मंगलवार का क्या सेंस हुआ, मंगलवार का मतलब हो गया आपके पास में 5, यानी कि 5 में मल्टीप्लाई कर दिया 35 का, तो ये हो जाएगा 175। तो 3 दिन में इनका टोटल कितना हो जाएगा, कुल हो जाएगा 105 प्लस 70 प्लस 175, इन सबको कर देंगे तो ये हो जाएगा 350, राइट 350 हो गया। अब यहां पे 350 तो हो चुका है, अब चौथे दिन जो पेटियां खरीदी है उनके पास में 525 आम की पेटियां थी, तो 525 में से हमें 350 को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 175 चौथे दिन आम की पेटियां थी उसके पास में। चौथे दिन आम की कितनी पेटियां खरीदी थी, 175 खरीदी थी उसने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सेकेंड ऑप्शन है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एक घन का आयतन 512 है, इसमें 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं। देखिए घन का हमें नंबर्स बताना है ना, तो अगर हमें घनों की संख्या बताना है, तो 512 तो हमें दिया हुआ है, बड़े घन का वॉल्यूम दे दिया है, आयतन दे दिया है, और छोटे घन का क्या होगा फिर, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो घन का आयतन वो होता है एक ही होता है, वॉल्यूम 2 × 2 × 2। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 512/8 इसको सॉल्व करोगे तो आज आंसर जाएगा 64, यानी कि 64 और घन बनाए जा सकते हैं, क्या 64 और घनों को बना सकते हो अगर आप 512 में से 2 × 4 × 8 डिवाइड कर दोगे तो 64 बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में बात करते हैं कि यदि ए बी से 20% अधिक है, राइट, इसका मतलब क्या होगा कि यदि बी हमारा 100 है तो वो हमारा कितना होगा, 120 होगा। हम मान लेते हैं कि ए हमारा 100 है, राइट, तो ए बी से 20% अधिक है, तो मान लेते हैं ये बी है, तो ए आपका क्या होगा, 20% अधिक है तो 100 + 20 कितना हो जाएगा, 20% हो गया, 120% हो जाएगा, और ये 100% है, राइट, 20% इसमें प्लस कर दिया तो 120% हो गया, 120% हो गया ये, राइट। तो बी ए से कितने परसेंट कम है, बी ए से कितने परसेंट कम है ये बताना है। अगर इनके कम देखोगे ना तो 20% कम है, कितने कम है, 20% कम है। किससे हम कंपेयर कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं ए से, ए हमारा 120 है, तो इसका हमें परसेंट निकालना है, अगर तो हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, तो 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 से 6 बार में कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 10/6 कैंसिल आउट करेंगे और 5/3 हो जाएगा, नहीं ये 0 से 0 कैंसिल आउट होगा ना, 200 होगा ना यहाँ पे, 200 यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, इसको रफ करते हैं और यहां से हमने कर दिए थोड़ी सी मिस्टेक, तो कर लेते हैं सॉल्व। 120 ये 20% का इस पे डिफरेंस है, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ये 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, तो 100 / 6 15
फिफ्टी अपॉन थ्री, और 50/3 का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 16 2/3%। क्या 16 2/3%? ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। 46 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि 10 रुपए में 11 के भाव से कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है, 10 रुपए में 11 के भाव से कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है और 11 में 10 के भाव से कुछ वस्तुओं को बेचा जाता है। तो कॉस्ट प्राइस सबसे पहले निकाल लेते हैं, 10 में 11 के भाव से यानी कि 110, सेलिंग प्राइस यानी कि 10 में 11 के भाव से कुल वस्तुओं को बेचा जाता है, तो बेच कितने में रहा है, वो भी 110 में बेच रहा है, तो नल क्या उसको लाभ हो रहा है या फिर हानि हो रही है, आपको ये फाइंड आउट करना है। 10 रुपये में 11 के भाव से कुछ वस्तुओं को खरीदा जाता है, 10 में 11 के भाव से कुछ वस्तु खरीदा जाए, ए में बी के भाव से और बी में ए के भाव से खरीदा बेचा जाए, तो उसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है कि बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, राइट। तो 11 का स्क्वायर इससे करेंगे तो बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी और फिर आप कहोगे कि ना लाभ हुई ना हानि हुई। इसके बेसिस पे अगर फाइंड आउट करेंगे तो इसका आंसर डिफरेंट आ सकता है, इसीलिए इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि यदि ए के भाव में कोई ए में बी के भाव से खरीदा जाए, ए में बी के भाव से खरीदा जाए और बी में ए के भाव से बेचा जाए, बी में ए के भाव से बेचा जाए, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 100। तो बी का स्क्वायर हो जाएगा आपका 11 और माइनस ए का स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 10 का स्क्वायर। तो इसका बहुत सिंपल है, इसको अगर सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 11 प्लस 10 इंटू 11 माइनस 10 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 21 अपॉन 100 और इंटू 100, अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100, तो इंटू 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 21% का लाभ हुआ। क्या हुआ? 21% का लाभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, तो आप और अच्छी तरीके से रिलेट कर पाओगे कि 8/15 और 2/15 का मध्यानुपाती क्या होगा। देखिए मध्यानुपाती का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, बी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू सी, राइट। तो देखो ये ए है, राइट, बी इसका मध्यानुपाती मान लेते हैं, सी ए बी सी, राइट। तो ए 8/15 मल्टीप्लाइड बाय 2/15 बी स्क्वायर, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी तो क्या हो जाएगा 16/15 × 15 अंडर रूट में हो जाएगा, 16 की वैल्यू 8 और ये हो जाएगा 15, 8/15 यानी कि सॉरी 4, ये जो 16 है ना 16 का 4 होगा 4/15। ऑप्शन नंबर सेकंड 15 ये किसका है, 4 जो 16 होता है, तो 16 का जो अंडर रूट होता है वो 4 होता है, सो इसका आंसर जो होगा वो 4/15 होगा, 4/15 होगा। आगे बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, हमें फाइंड आउट करना है इसका अंडर रूट, क्या अंडर रूट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे एक पेयर बनाएंगे, ये एक पेयर बनेगा हमारे पास में और बहुत सिंपली आप इस चीज को देख पाओगे, ये आपके पास में एक पेयर बना है, ये आपके पास में एक पेयर बना है और ये आपके पास में एक पेयर बना है, टोटल 3 पेयर बने हैं, यानी कि पॉइंट तो 3 डिजिट्स में लगेगा और ये जो है ना 10889 ये जो दिया ना, ये कुछ पैटर्न दिखा रहा है 110889, राइट। और इस तरीके का अगर कोई पैटर्न होता है तो आप देखोगे कि 11108889 इस तरीके कुछ पैटर्न अगर आपको दिख जाता है तो ये पैटर्न, इसका स्क्वायर बहुत सिंपल है, इसका स्क्वायर होता है 333 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.333 इज द राइट आंसर, राइट, यही इसका स्क्वायर रूट है। चलिए आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 49
के बारे में बात करते हैं और 50 वाले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो आप इजीली समझ पाओगे। देखिए 49th वाले क्वेश्चंस में एक टेबल दी हुई है, उस टेबल को सबसे पहले हम बना लेते हैं ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहेगा 49 वाले में और 50 वाले क्वेश्चंस के अंदर। तो 49 वाले क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है टेबल के फॉर्मेट में, राइट। तो इसको हम समझ लेते हैं कि क्या होगा टेबल के फॉर्मेट में। और यहाँ पे दिया हुआ है 52, राइट, यहाँ पे 64 दिया हुआ है, यहाँ पे 48 दिया हुआ है, यहाँ पे 21, यहाँ पे 36 दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 32 दिया हुआ है, यहाँ पे 80 और ये 48 दिया हुआ है। इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके बारे में हमें बात करनी है, राइट। तो अगर हम आगे बढ़ जाते हैं, राइट, अगर हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पे 50 वाले क्वेश्चन में, तो इसका भी मैं टेबल बना देता हूँ, फिर दोनों ही क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इसका जो आंसर है वो क्या होगा। टेबल मैं थोड़ा सा कुछ इस तरीके से बना लेता हूँ क्योंकि इसमें चार टेबल दी हुई है, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो ये हो जाएगा 1 और ये दो लाइनर दी हुई है यहाँ पे, ये है 8, ये है 9, ये है 6, ये है 6, ये है 7, ये है 7, ये है 5, ये है 6, ये है क्वेश्चन मार्क, और ये है 43, ये है 57 और ये है 40, राइट। तो ये 50 वाला क्वेश्चन है और ये हमारा 49th नंबर का क्वेश्चन है, राइट। तो 49th नंबर के क्वेश्चंस में कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको आपको देखना पड़ेगा कि इसमें हम कितना प्लस कर रहे हैं और दूसरे वाले नंबर्स में हम कितना प्लस कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अगर हम 52 को और 32 इन दोनों को अगर प्लस कर दिया जाए, 52 प्लस 32 को प्लस कर दिया जाए और 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो 84 अपॉन 4 होता है, इसका मतलब 21 आ गया, मतलब ये वाला आंसर आ रहा है। इसी तरीके से 64 प्लस 80 को प्लस कर दिया जाए और 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 144 अपॉन 4, यानी कि 36 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी तरीके से 48 प्लस 48 को डिवाइड करके अगर 4 से डिवाइड कर दिया जाए तो आप कह सकते हो कि 96 अपॉन 4 यानी कि 24 होगा, राइट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ये क्या हो जाएगा, 24, यानी कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आप समझ पा रहे हो, इन दोनों को डिवाइड करके, इन दोनों को प्लस करके 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इन दोनों को प्लस करके 4 से डिवाइड, इन दोनों को प्लस करके 4 से डिवाइड। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं और 50 वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दिया हुआ है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, राइट, और फिर ये हो रहा है 6 × 5, राइट, और फिर प्लस 8 + 5, आंसर 43। इसी तरीके से 7 × 6, इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस, 9 और 6 का प्लस, 9 और 6 को प्लस कर दिया तो क्या हो जाएगा, 57। तो अब इसको भी वैसे ही करना है हमें, यानी कि 6 और 7 × ? क्या हो जाएगा, 7 × x प्लस 6 + x इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ना हमें, तो ये 7x प्लस 7 और x, ये 8x, 7x प्लस 6 + x तो हो जाएगा 8x + 6 इक्वल टू 40। सो 8x इक्वल टू 34, इसको माइनस कर देंगे तो 8x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 34/8, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 4, राइट। क्या हो जाएगा, x की जो वैल्यू होगी वो होगी 4, राइट। यहाँ पे जो आंसर हमारा आएगा वो आएगा x इक्वल टू 4, राइट, यस, 34 में 4.25 आएगा यार, 4.25 इज द राइट आंसर, 4.25 आएगा क्योंकि 32 नहीं है, ये 34 है, तो 4.25 आएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। हमें सबसे पहले तो यहाँ पे एक पैटर्न हमने फाइंड आउट कर लिया, इसका पैटर्न फाइंड आउट कर लिया, फिर इसी पैटर्न पे इसको हमने सॉल्व कर दिया x मान करके, फिर 34 में अगर हमने 8 का डिवाइड कर दिया तो 4.25 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, अगर उसे 100 रुपये कम में बेचा जाता है जबकि उसे 20% कम में खरीदा गया होता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचा जाता है, राइट, तो 20% लाभ पर बेचा जाता है, इसका क्या मतलब हुआ कि सबसे पहले अगर हम मान लेते हैं कि जो उसकी कॉस्ट प्राइस है जिसपे खरीदा गया वो 100 रुपये है, और 20% लाभ पे अगर बेचते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 100 पे 20% यानी कि 20, 120 रुपये होगा। अब ये बोल रहा है कि यदि उसको 20% कम में खरीदा गया होता, मतलब उसकी एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस 100 ना हो करके अगर वो 20% कम में खरीदा गया होता, मतलब कि इफ उसकी कॉस्ट प्राइस अगर 80 रुपये होती, 100 रुपये ना होकर के 80 रुपये होती, क्योंकि 20% कम में खरीदा गया होता, तो जो प्रॉफिट होता ना, तो 25% का लाभ होता, तो उसको कितने का लाभ होता, 25% का लाभ होता, 25% लाभ पर बेचने पर, 25% लाभ पर अगर बेचते तो क्या होता, 25% लाभ पर अगर हम बेचते तो इजीली इसका आंसर निकल आता कि 100, राइट, और इसका जो कॉस्ट प्राइस है 100 ना, अगर ये 20 होता, राइट, कितना होता, 20 होता यहाँ पे, 25% लाभ पर अगर हम बेचते, अगर 25% लाभ पर हम बेचते हैं तो 25% लाभ पर अगर हम बेचते हैं तो क्या हो जाता है, ये 100 ना हो करके ये 125 हो जाता, 100 पे अगर 125 हो जाता ना, ये 125, तो 80 का 125/100 तो क्या हो जाएगा, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये 80 × 125/100 है, राइट, तो 5 से कैंसिल आउट करके अब हम देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 5 से अगर हम सॉल्व करते हैं तो, राइट, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कि इसका जो आंसर होगा 80 और 20 का, तो यहाँ पर जो, एक सेकंड, इस क्वेश्चन को अब हम फिर से सॉल्व करेंगे, 51 वाले क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि जो इसका क्रय मूल्य है वो है 100 रुपये, और 20% लाभ पर अगर आप इसको बेचोगे, 20% लाभ पे अगर बेचते तो इसका विक्रय मूल्य क्या होता, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य क्या होता है इसका, 120 रुपये, ये तो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन 20% कम में खरीदा गया होता, 20% कम में अगर खरीदा गया होता, 20% कम पर जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाता, 80 रुपये हो जाता, और 25% लाभ पर 20% कम में अगर खरीदा गया होता तो 25% लाभ होता। अच्छा, तो उस पर लाभ कितना होता, 25% का लाभ होता। अच्छा, 25% का लाभ होने का मतलब क्या हुआ कि 25% लाभ पर, यहां पे हम इसका 25% लाभ पर इसका विक्रय मूल्य क्या होता, इसका विक्रय मूल्य क्या होता, इसका विक्रय मूल्य होता कुछ इतने का, बिकती ये चीज, राइट, यानी कि 80 पे 1.25, यानी कि 125/100 इक्वल टू कितने का होता, 100 रुपये का होता, राइट, ये होता, ये इक्वेशन बनती। अगर दोनों विक्रय मूल्य में अगर हम 120 - 100 तो 20 का अंतर, दोनों के विक्रय मूल्य में कितने का अंतर होता, ये विक्रय मूल्य 120 का है और ये जो विक्रय मूल्य है वो 100 रुपये का है, राइट, तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने होगा, 20 का होगा, राइट, तो पहला जो क्रय मूल्य है वो 100 है, क्रय मूल्य कितना है पहला वाला,
पहला जो क्रय मूल्य है वो हमारा कितना है, 100 है। तो विक्रय मूल्य में पहला मूल्य अगर क्रय पहला क्रय मूल्य अगर 100 रुपये का है तो विक्रय मूल्य में 100 का अंतर होगा। अगर विक्रय मूल्य में 100 का अंतर होता, अगर अंतर 100 रुपये का होता तो क्रय मूल्य फिर क्या होता, फिर जो उसका क्रय मूल्य होता वो क्या होता, वो 100 रुपये अपॉन 20 मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो 20 पंजे 100, यानी कि 500 रुपये उसका क्रय मूल्य होता, राइट। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। आप समझ पा रहे हो, सबसे पहले तो हमें जो क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया, 20% लाभ पर वो 120 रुपये हो जाता, लेकिन 20% कम पर वो 80 रुपये होता। अगर 80 रुपये होता तो 25% का लाभ होता, तो वो किसके बराबर होता, वो 100 रुपये के बराबर होता, राइट। लेकिन इनके बीच का जो अंतर है दोनों के विक्रय मूल्य का वो कितना है, वो 20 रुपये का है। तो अब हम इनके जो क्रय मूल्य का अंतर अगर देखें, 20 रुपये का डिफरेंस है किस पे, 100 पे, तो 100 अपॉन 20 × 500, यानी कि क्रय मूल्य जो है वो 500 रुपये आएगा। क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में बात करते हैं, ताकि आप इस क्वेश्चन को और अच्छी तरीके से समझ पाओ कि 52 वाले क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। किसी यात्रा को शुरू करते समय चाल को वास्तविक चाल से 5/6 गुना कर दिया जाता है। किसी भी या किसी कोई यात्रा हो रही है, वास्तविक चाल में 5/6 से गुणा कर दिया जाता है, तो नया जो टाइम होगा वो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6/5, यानी कि देखिए वास्तविक चाल जो होता है ना, वास्तविक चाल को अगर x/y से गुणा करते हैं तो वास्तविक चाल ये y/x हो जाता है, राइट। तो 6/5 है, 5/6 है, तो 6/5 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ, फोर्थ वाले ऑप्शन में 6/5 ऑप्शन में दिया हुआ है, क्योंकि ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब ये इसका दिया हुआ है 3 1/2 और 2/9 का एलसीएम क्या होगा। अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो 3/1 मानो, 1/2 मानो और 2/9 मानो। इसका अगर एलसीएम निकालना है तो जो ऊपर के नंबर होते हैं उनका एलसीएम निकालना होता है, नीचे के नंबर का हमें क्या निकालना होता है, एससीएफ निकालना होता है। तो ऊपर के नंबर का अगर आप एलसीएम निकालोगे तो 6 आएगा, और नीचे के नंबर का अगर एससीएफ निकालोगे तो 1 होगा, यानी कि इसका जो एलसीएम होगा वो 6 होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 है वही आपका इस क्वेश्चन के अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 54th के बारे में, कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, अंडर रूट में दिया हुआ है, 1 + x/4 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर इसको सॉल्व करोगे तो 16 1 = 16 और ये 9, ये हो जाएगा 25/16 = 1 + x/4, राइट। तो अब हम इसको अंडर रूट में था तो इसको अंडर रूट से बाहर निकालेंगे, तो ये 5 का स्क्वायर रूट है और ये 4 का 5/4 = 1 + x/4, राइट। तो अगर हम x/4 को देखें तो क्या हो जाएगा, 5/4, ये 1 है तो इस तरफ करेंगे तो माइनस हो जाएगा, 1/1, राइट। तो x/4 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5 - 4/4, राइट। 4 से 4 कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 होगी। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1, यानी कि जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन को अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को हम अब समझने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और 55th वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, कि ए किसी काम को बी की अपेक्षा 20% तेजी से करता है। ए जो है किसी काम को बी की अपेक्षा 20% तेजी से करता है, बी की अपेक्षा क्या करता है, 20% तेजी से करता है उस काम को। तो यदि बी किसी काम को 20 दिनों में करता है तो ए उस काम को, ए उसे कितने दिनों में करेगा। अगर ए किसी काम को, मान लेते हैं ए किसी काम को बी की अपेक्षा 20% तेजी में करता है, ए किसी काम को 100 दिन में अगर मान लो करता है, तो बी जो है ना उसी काम को, बी जो है 20% तेजी से कर देता है उसी काम को। ए किसी काम को बी की अपेक्षा 20% तेजी से करता है। अगर बी किसी काम को, बी किसी काम को
बी किसी काम को अगर 100 दिन में करता है बी, तो ए उसी काम को 20% तेजी से कर देता है, जल्दी कर देता है, यानी कि वो उसको 80 दिन में ही खत्म कर देता है। यदि बी किसी काम को 20 दिनों में करता तो ए उसे कितने दिनों में करेगा, राइट? बी किसी काम को 20 दिनों में करता, मतलब अगर बी किसी काम को 20 दिनों में करता तो 20 दिनों में करता तो वो उसे ए उससे क्या है 20% तेजी से करता है बी की अपेक्षा। तो अगर 20% 20 20 का, सबसे पहले तो आपको 20% निकालना पड़ेगा, तो 0 से ये 0 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी 4, यानी कि वो उस काम को ये मान के चलो कि वो कितने दिन में कर देता, वो 16 ये 200 200, इसको ऐसा भी कर सकते हो, 4 4 4 days दिया हुआ है तो 16 16 2/3 days में उसको कंप्लीट कर देता, अगर 20 में से हम माइनस करेंगे तो, राइट? इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी आप कर सकते हो कि अगर वो ए किसी काम को बी की अपेक्षा 20% तेजी से काम करेगा, तो ए जो बी बी जब एक काम करेगा, बी जब एक यूनिट काम करेगा, तो ए उसका कितना कर देगा, ए उसका 20% कर देगा, यानी कि 1.20, 120/100, यार 120/100 करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट करोगे, 1.2 करेगा, 1.2 करेगा, राइट? तो अगर ये एक्स दिनों में कर सकता है कोई काम, तो 1.2 × x इक्वल टू, ये 20 दिनों में कर रहा है, तो अब हमें बताना है कि ए उसको कितने दिनों में करेगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/1.2, इस पॉइंट को हटाओ, 0 बढ़ा लो, 200/12 हो जाएगा, तो 16 2/3 हो जाएगा आपका आंसर, अगर इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये 100/6 हो जाएगा, कैंसिल आउट करोगे 50/3 हो जाएगा, तो 16 2/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 2/3, 16 2/3, राइट? 16 2/3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 56 के बारे में बात करते हैं कि यदि प्रत्येक पंक्ति तथा स्तंभ विकर्ण के योग समान है तो एक्स वाई जेड के मान क्या होंगे। यहाँ पे भी एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल में हमें एक्स वाई जेड के मान फाइंड आउट करके बताना है कि एक्स वाई जेड के जो मान हैं वो क्या होंगे, ये आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन नंबर 56 के अंदर, राइट? तो सबसे पहले टेबल बना लेते हैं और यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये 1 2, ये 1 और ये 2। यहाँ पे तो सबसे पहले एक्स लिखा हुआ है, ये 9 है, ये 4 है, ये 7 है, ये 5 है और ये वाई है, ये जेड है, ये 1 है और ये 8 है, राइट? तो ये जेड 1 और 8 दिया हुआ है, राइट? तो आप देखोगे एक्स वाई जेड है 9 4 7 5 1 8 है, राइट? यहाँ पे एक्स वाई जेड के मान आपको बताना है कि क्या होंगे, एक्स वाई जेड के मान, राइट? हमें देखना है कि क्या प्लस करने पे क्या आ रहा है। अगर आप इन सबको प्लस कर दोगे, अगर आप इन सबको प्लस कर देते हो, 9 और ये 10 और ये 5 15 आ जाएगा, राइट? अगर आप इन सबको प्लस कर देते हो, 8 4 12 और 3 3 आ जाएगा वाई की वैल्यू, राइट? 3 आएगा यहाँ पे वाई की वैल्यू, तो इन सबको प्लस करोगे तो 15 हो जाएगा। अगर जेड है यहाँ पे और ये एक्स है, राइट? अगर हम एक्स की वैल्यू देखें, यहाँ पे 8 और 5 12 और यहाँ पे 3, राइट? तो ये भी 3 हो जाएगा, नहीं ये 2 होगा, राइट? 2 हो जाएगा ये, तो ये इसका भी 15 आ जाएगा, इसका कॉर्नर अगर प्लस करते हैं तो 7 और 2 9 10 11 12 13 14 15, ये 6 आ जाएगा यहाँ भी, राइट? तो 6 और 2 8 8 और 7 15, ये भी 15 हो जाएगा, तो 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, 15 ये हो गया, तो ये पूरा 15 हो गया, ये पूरा आपका 15 हो जाएगा, राइट? और ये भी पूरा आपका 15 हो जाएगा। तो ये अगर आप इनका सम देखोगे तो ये इसका एक्स की वैल्यू आ गई 2, वाई की वैल्यू आ गई 3 और जेड की वैल्यू आ गई 6, 2 3 6 2 3 6, यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57 के बारे में बात करते हैं कि किसी दो संख्या, दो अंकों वाली संख्या में से
24 घटाने पर इन संख्याओं का अनुपात 4:7 हो जाता है तो अंकों का योगफल कितना होगा, ये आपको बताना है कि किसी दो अंकों वाली संख्या में 24 घटाने पर उनका रेशियो 4:7 हो जाता है तो अंकों का योगफल कितना होगा। दो अंकों वाली संख्या है उसमें से हम क्या घटा रहे हैं, 24 को घटा रहे हैं। कितने को घटा रहे हैं, 24 को घटा रहते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो दो अंकों वाली संख्या होती है उसका स्टैंडर्ड होता है 10x+y, राइट। इनमें से अगर आप 24 घटाते हो, इसमें से अगर आप 24 घटा देते हो, इनमें से अगर आप 24 को घटा देते हो तो इनका जो रेशियो है, इनका जो रेशियो है वो 4:7 हो जाता है, राइट। संख्याओं का अनुपात, इन संख्याओं का जो अनुपात है यानी कि 10x+y का जो अनुपात है वो 4:7 हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो 7 है इसका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 70x+7y-24, में 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे 168 हो जाएगा, इक्वल टू 40x, राइट, और प्लस 4y, राइट। तो x x वाले नंबर्स को एक तरफ लाएंगे तो 70x और प्लस 7y- का 4y इज इक्वल टू 168। तो ये हो जाएगा आपका 70 और 40 हो जाएंगे 30x, कितने हो जाएंगे ये 30x हो जाएंगे, 7 और 2 ये हो जाएंगे 3y, राइट, इक्वल टू 168। अब हम यहाँ पर जो 30x+y इक्वल टू 168 हो जाएगा, अगर इन सब में अगर मैं 3 का डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, 3 का डिवाइड कर देंगे तो ये 10x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 56 हो जाएगा। अब 10x+y की वैल्यू 56 आ गई है, मतलब कि जो स्टैंडर्ड हमारा नंबर होता है 10x+y, ये आ गया आपका 56, यानी कि x की वैल्यू 5 आ गई और y की वैल्यू 6 आ गई, राइट। तो अंकों का योगफल कितना हो जाएगा, तो 5+6 इसका नंबर हो जाएगा 11, राइट। जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वही ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस ऑप्शन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 के बारे में बात करते हैं, जिसमें हमें दिया हुआ है कि राधा सुमन तथा कृष्णा की आयु का अनुपात 7:6:5 है, और यदि राधा एवं कृष्णा की आयु का अंतर 12 वर्ष है तो सुमन और कृष्णा की आयु का योगफल कितना होगा। अगर रेशियो दिया हुआ है ना, राधा का, सुमन का, कृष्णा का, राधा का, सुमन का और कृष्णा का, तो इसको हम 7x, इसको हम 6x, इसको हम 5x मान लेते हैं। और राधा और कृष्णा यानी कि 7x-5x इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 2x=12, तो x की वैल्यू आ गई है 6। अगर x की वैल्यू 6 आ गई है तो राधा की एज कितनी हो जाएगी, 7x है तो राधा की एज अगर 7x है तो 7 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 42। 6x है, 6 में हम 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 आ जाएगा सुमन की एज। और कृष्णा की एज अगर फाइंड आउट करनी है तो 5×6 यानी कि 30 आ जाएगा। हमें सम पूछा है सुमन और कृष्णा का, तो सुमन का 36 है और कृष्णा का 30 है, तो 30+36 यानी कि 66 होगा। इनमें से कोई नहीं, यानी कि इनका जो इनमें से कोई नहीं जो ऑप्शन है वही करेक्ट होगा, क्योंकि 66 कहीं भी नहीं दिया हुआ है, राइट। हमें तीनों का एज नहीं पूछा है, हमें केवल इन दो लोगों का एज पूछा है। क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में बात करते हैं कि पांच दर्जन आम 120 रुपए में खरीदे जाएं, पांच दर्जन आम कितने में खरीदे जाएं, 120 रुपए में, यानी कि एक दर्जन आम की जो कीमत है वो 120/15 है, तो 25 दर्जन आम कितने में खरीदे जाएंगे। 25 दर्जन आम फाइंड आउट करने के लिए 120/15 × 25, तो 5 3 15 और 5 25 3 4 12 40,
40 में 50 का मल्टीप्लाई कर दो, 40 में 50 का मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा 200, 200 रुपये में खरीदे जाएंगे। 15 दर्जन 120 रुपये में, तो 25 दर्जन आम 200 रुपये में खरीदे जाएंगे। आगे डिस्कस करते हैं, संजीव ने 5,000 रुपये में एक टीवी सेट खरीदता है और उसे 4,750 रुपये में बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है ये आपको बताना है। देखो, खरीदता है वो 5,000 रुपये में, समझ रहे हो, और उसे बेच देता है वो 4,750 रुपये में। ये इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई, ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई, राइट। तो अब हमें इसमें बताना है कि इसकी जो इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो प्रॉफिट है, या इसमें जो आपकी कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बाद इसमें जो प्रॉफिट, सॉरी लॉस जो हो रहा है, खरीद 5,000 रुपये में रहा है और बेच 4,750 रुपये में रहा है, तो इसको लॉस कितने का हो रहा है? ये लॉस हो रहा है, इसको यहाँ पे 5 आ गया और 7, 8, 9, 2 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये आ गया 250 रुपये का इसको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है? 250 रुपये का लॉस हो रहा है। 250 रुपये का लॉस हो रहा है, किस पे हो रहा है? 5,000 रुपये पे हो रहा है। तो इसमें हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंट निकल आएगा, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल, तीनों तीनों जीरो से ये तीनों जीरो कैंसिल आउट, 25 25, यानी कि 5% का जो है ना वो उसे हानि हो रही है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है, 5% की हानि हो रही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 61 के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि रवि सोम को अपने धन का 6/7 भाग देता है, सोम उस धन का 7/10 भाग रवि को दे देता है, तो कवि को 3,000 रुपये प्राप्त, रवि को 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं, तो कवि को 3,000 रुपये प्राप्त होते, तो रवि के पास कितना धन था? 6/7 रवि और सोम का, सोम का जो धन है वो 7/10 है, क्या है? 7/10 है ना। देखो सिंपल सी बात है, ये रवि का है, ये सोम का है, और ये सोम सोम उस धन का 7/10 भाग कवि को दे देता है। तो सबसे पहले हम इनका रेशियो फाइंड आउट करेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा, राइट। और रेशियो फाइंड आउट करने के लिए अगर मैं इनके एलसीएम को सेम, डिनोमिनेटर को सेम कर दूंगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो कैसे, इसको इजीली सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को मैं सेम कर देता हूँ, राइट। तो इसमें मैंने 10 का मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे 10, और यहाँ मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी 7 का कर दिया, तो ये हो जाएगा 60/70 और ये हो जाएगा 49/70, राइट। अगर टोटल टोटल जो अमाउंट है, अगर टोटल अमाउंट अगर मैं 70 मान लूँ, कुल जो धन है वो मान लूँ मैं 70, राइट, रवि का नहीं, तो रवि सोम को अपने धन का 6/7 भाग दे देता है, राइट। 6/7 भाग देता है, 6 और 7 हो जाते हैं 13, राइट। 6/7 भाग वो क्या कर देता है? दे देता है। तो मैं ये मान के चलता हूं कि रवि के पास 70 रुपए हैं, कुल धन रवि के पास 70 रुपए हैं, ये मान के चलते हैं, राइट। अभी ये मान के चलते हैं रवि के पास 70 रुपए हैं, तो अपने धन का वो 6/7 भाग दे देता है। तो 70 का अगर वो 6/7 भाग दे देता है, यानी कि ये 60 रुपये दे देता है, किसको दे देता है? सोम को। सोम को वो कितना दे देता है? सोम को 60 रुपये दे देता है वो, तथा सोम उस धन का 7/10 भाग, और 60 का 7/10 भाग वो किसको दे देता है? कवि को दे देता है। तो ये 0 से 0 यानी कि 42 रुपये वो किसको दे देता है? कवि को दे देता है, 42 रुपये कवि को दे देता है। अब ये जो 42 रुपये है ना, वो 3,000 के बराबर है, उसको 3,000 रुपये प्राप्त होते हैं ना। तो एक यूनिट की अगर आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो 3,000 का 42, अब आपको रवि के पास कितना था? 70 था, तो 3,000 3,000 अपॉन 42 मल्टीप्लाइड बाय 70 कर दो, ठीक
ये 6 बार में कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 से ये 5 बार में, 500 और ये 0, 5,000 रुपये होंगे इसका आंसर। क्या होगा? 5,000 रुपये इसका आंसर आ रहा है, यानी कि इसमें से कोई नहीं जो है वो यही आंसर होगा, क्योंकि 5,000 रुपये आ रहा है इसमें। एक तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि मान लिया रवि के पास एक्स थे, हमें हमें पता नहीं, तो सोम को कितना मिला? एक्स का 6/7%, 6 रेशियो। और कवि को कितना मिला? एक्स का 6/7 का 7/10%। ये कवि को मिला, ये सोम को मिला, और ये रवि को है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन कवि को इतने रुपए प्राप्त होते हैं, यानी कि कवि का जो है ना ये 3,000 के बराबर है। तो एक्स इंटू 6/7 × 7/10 इज इक्वल टू 3,000। तो 7 से 7 कैंसिल आउट, 10 का मल्टीप्लाई करके 6 का डिवाइड कर दो, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 3,000 × 10/6, तो 6 × 5 = 30, 500 × 10 ये हो जाएगा 5,000 रुपये। तो एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 5,000 रुपये। इनमें से कोई नहीं जो है वही करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में बात करते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, तो यदि दोनों संख्याओं में से 5 घटा लिया जाए तो उनका अनुपात ये हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि उन संख्याओं का जो अनुपात है वो 4x/5x है, इनमें से अगर 5 को माइनस कर लिया जाता है तो उनका अनुपात 3/4 हो जाता है। बस इस इक्वेशन को आपको करना है सॉल्व। तो ये हो जाएगा 16x − 4 5 = 20 = फिर 3 5 = 15x − 15। एक्स वाले टर्म्स को एक तरफ लाओ, 16x − 15x = −15 + 20, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा 5। क्या हो जाएगा? 5। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ चुकी है। तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो 4x और 5x, सबसे पहले तो उन नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो 4 × 5 यानी कि 20, और 4 × 5 यानी कि सॉरी 5 × 5 25, इनका स्क्वायर इसका हो जाएगा 400 + ये हो जाएगा आपका 625। इन दोनों का प्लस कर दो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 5 10, 10 2 5, राइट। ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि 62 का जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही आपका सबसे सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 के बारे में बात करते हैं कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल 45 वर्ष है, तथा 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 5:6 था, तो राम की आयु कितने वर्ष की है? सबसे पहले राम की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, राम की वर्तमान आयु मान लेते हैं x, और श्याम की वर्तमान आयु का योगफल अगर 45 था तो ये 45 − x हो जाएगा, 45 − x होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि यदि 6 साल पहले की बात करें तो ये x − 6 होगा, और 45 − x और −6 साल कर देते हैं तो इनका रेशियो 5/6 हो जाएगा। मतलब x − 6 और 45 में से अगर 6 को माइनस करोगे तो 39 − x होगा, और ये हो जाएगा 5/6। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 6x − 6x = 36 = 39 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे 195 हो जाएगा, −5x हो जाएगा। तो 6x में से अगर हम 5x को इधर तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 11x, राइट। 6 और 5 11 हो जाएंगे, और 195 पहले से है, इसमें 36 को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 231। तो 11x = 231, सो x की वैल्यू हो जाएगी 231/11, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 21 हो जाएगा, यानी कि जो x की वैल्यू आएगी वो 21 वर्ष आएगी। क्या आएगी? 21 वर्ष आएगी। तो राम की आयु जो है वो कितने साल की है? वो है 21 साल की। राम की आयु कितनी है? वो 21 साल की है। तो यहां पे जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है।
ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 64 के बारे में। एक मशीन 1 मिनट में 2 खिलौने बनाकर निकालती है, तो 8 घंटे 20 मिनट में कितने खिलौने बनाकर निकालेगी? सबसे पहले तो इसको मिनट में चेंज कर लो, सबसे आसान हो जाएगा। तो 8 × 60 + 20, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 8 घंटे में 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो जाएगा 480 + 20, तो ये हो जाएगा 500 मिनट। 8 घंटे 20 मिनट को अगर हम मिनट में चेंज करेंगे तो 500 मिनट होगा, और 1 मिनट में 2 खिलौने बनाती है, तो 500 मिनट में कितने खिलौने बनाएगी? 1000 खिलौने बनाएगी। तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड वाला ऑप्शन है वही इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं और हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के बारे में। एक बाघ 250 मीटर लंबा, 150 मीटर चौड़ा है, मोहन उस बाघ के चारों ओर 4 चक्कर लगाएगा, तो कितनी दूरी तय करेगा? सबसे पहले ये पेरीमीटर है ना, इसका फाइंड आउट करना पड़ेगा, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट के अंदर l प्लस b होता है, तो 2 हो जाएगा। लेंथ आपको दी हुई है 250 मीटर और ब्रेथ आपको दी हुई है 150 मीटर, राइट? तो 2 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 400, राइट? इन दोनों को प्लस करेंगे 800 आ जाएगा, और ये 4 चक्कर लगा रहा है ना, तो 4 का और मल्टीप्लाई कर दो, तो 3200 मीटर इसका आंसर होगा, राइट? ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, राइट? अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन के अंदर और डिस्कस करते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है, जो कि यहाँ से अब साइंस के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो उसका जो सही आंसर्स हैं वो क्या होने वाले हैं, अब हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो ये है कि बल का जो सीजीएस यूनिट है वो क्या होगा। बल को हमेशा हम उसकी जो सीजीएस यूनिट की बात करते हैं फोर्स की, तो वो हमेशा वाट होती है, राइट? इसी तरीके से वस्तुओं के संपर्क में आने वाले उत्पन्न बल क्या कहलाता है? वस्तुओं के संपर्क में आने वाले जो उत्पन्न बल होते हैं उनको आप क्या कहेंगे? वस्तुओं के संपर्क में आने वाले, सॉरी, ये जो ऑप्शन मैंने बताया था ना आपको क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर कि बल की सीजीएस यूनिट क्या होगी, वॉट नहीं होगी ना, ये पावर की होती है। डाइन इज अ करेक्ट ऑप्शन, क्या होगा? डाइन जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम इसके बारे में बात करें कि वस्तुओं के संपर्क में आने वाले जो उत्पन्न बल होता है उसको हम कहते हैं संपर्क बल, क्या कहते हैं? संपर्क बल कहते हैं। इसी तरीके से 68 वाले क्वेश्चन के अंदर दिया है कि यदि किसी पर कोई बल न लगे तो क्या होगा, वो विराम अवस्था में होगा, गति या गति करेगा, या तो वो विराम अवस्था में होगा या गति करेगा, कोई बल नहीं लगे तो। इसी तरीके से हमारे श्वर बॉक्स में कंपित होने वाले भाग को हम क्या कहते हैं? उसको वाक रज्जु कहते हैं। जो कंपित होने वाला भाग रहता, भाग होता है, उसको वाक रज्जु। मानव जो हृदय हमारा है, मानव का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार अगर धड़कता है तो उसकी आवृत्ति कितने हर्ट्ज होती है? तो इसकी जो आवृत्ति होती है वो 1.2 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 1.2 हर्ट्ज होती है। एक बच्चा अपनी माँ की आवाज पहचान लेता है, इस ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा संभव हो पाता है? यह ध्वनि के किस अभिलक्षण द्वारा संभव हो पाता है कि वो अपनी माँ की आवाज को पहचान लेता है? वो गुणता के अभिलक्षण के द्वारा संभव हो पाता है। किसके द्वारा हो पाता है? वो गुणता के कारण हो पाता है, राइट? चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि 72 वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया हुआ है। ध्वनि के वेग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें से कौन सा कथन सत्य है कि यह ठोस में अधिकतम तथा गैस में न्यूनतम होता है? ठोस में बहुत ज्यादा होता है और गैसों में न्यूनतम होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, मतलब इसमें से कौन सा गलत कथन है ये हमें बताना है। गैस गैस में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य होती है, ये तो सही है। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है वो पराश्रव्य कहलाती है, गलत। ये ध्वनि तरंगे का आयाम अधिकतम होता है, ये सही है। उच्च श्रव्य आवृत्ति के साथ तीक्ष्ण ध्वनि तरंगे होती है, ये भी सही है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये गलत यही है। अदीप्त प्रकाश का स्रोत क्या है, चंद्रमा सूर्य या चंद्रमा और सूर्य दोनों या फिर तारे? अदीप्त, अदीप्त का केवल है चंद्रमा, राइट, जो रात में दिखाई देता है। दीप्त प्रकाश क्या होता है, जो चमकता हुआ होता है, यानी कि विद्युत बल्ब हो गया आपका, ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरीके से निम्न में से पराभासक का माध्यम क्या है, घिसा हुआ कांच। घिसा हुआ कांच क्या है, वो पराभासक का माध्यम होता है, घिसा हुआ कांच। 77th क्वेश्चन की अगर हम बात करें कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸, तो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है उसी के अंदर दिया हुआ 3 × 10⁸। ये आपको पता होना चाहिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी होती है। एक जो उत्तल दर्पण होता है, राइट, कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं, के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे, क्या? दर्पण के पीछे बनता है। तभी आप देखते हो कि लेंसेस लगाए जाते हैं, जब हम अपनी व्हीकल्स में भी आप देखे होंगे उत्तल लेंसेस लगाए जाते हैं, ताकि हम पीछे वाली गाड़ियों की इमेज देख पाए, छोटी इमेज बनती है इस वजह से। तो दर्पण के पीछे इमेज, उसका प्रतिबिंब बनता है, राइट, क्या? उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में बात करते हैं कि चालक में धारा के प्रवाह का कारण क्या है, चालक में धारा के प्रवाह का कारण क्या होता है? वो होता है जो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी गति होती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि दो कांच की छड़ें रेशम से रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटकाई जाती है, तो उनके मध्य जो बल होता है वो क्या होता है, वो प्रतिकर्षण का बल होता है। किसका बल होता है, वो प्रतिकर्षण का बल होता है, राइट, वो आकर्षित करने लगते हैं, आकर्षण नहीं होता, प्रतिकर्षण होती है। कांच की अगर छड़े रेशम से टकरा रगड़ने के बाद स्वतंत्र रूप से लटका देते हैं, तो उनके मध्य बल प्रतिकर्षण का बल होता है। विद्युत ऊष्मक का तंतु जो बना होता है वो किस चीज से बना होता है, कॉपर का, जिंक का, या फिर आयरन का, या नाइक्रोम का, वो किससे बना होता है, वो नाइक्रोम का बना होता है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जिसमें कि 82 नंबर का क्वेश्चन है कि कृत्रिम उपग्रहों में कौन से सेल जो होते हैं वो बने लगे होते हैं, जो हमारे आर्टिफिशियल्स जो उपग्रह बनते हैं उसमें कौन से सेल लगे होते हैं, ये क्वेश्चन है। तो सौर सेल लगे होते हैं उसके अंदर। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि विद्युत धारा मापी जाती है, किससे मापी जाती है, विद्युत की धारा अमीटर से मापी जाती है। अगर अमीटर आपके पास होगा तो आप देख पाओगे कि कितनी विद्युत धारा उसके अंदर से आ रही है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कार्य करने के लिए विद्युत पर निर्भर करता है। माइक्रोवेव का जो ओवन होता है ना, माइक्रोवेव ओवन, वो इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड करता है। इसी तरीके से लिखा हुआ है कि कौन निम्नलिखित में से कौन विद्युत का स्रोत नहीं है, विद्युत सेल, रेडियो, विद्युत जनित्र और बैटरी। तो रेडियो जो है वो विद्युत का स्रोत नहीं है। जब एक छड़ चुंबक को दो बराबर भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक टुकड़े की ध्रुव शक्ति होगी, क्या होगी, वो समान होगी। प्रत्येक टुकड़े की जो ध्रुव शक्ति होगी ना वो एक समान होगी। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 87 के अंदर कि चुंबक का वह सिरा जो भौगोलिक उत्तर की ओर संकेत करता है उसको हम क्या कहते हैं, उत्तर की ओर जो संकेत करता है उसको हम कहते हैं उत्तरीय ध्रुव। इसी तरीके से चुंबक बनाए जा सकते हैं किससे, लोहे तथा इसके मिश्र धातुओं से, एल्यूमिनियम तथा इसके मिश्र धातुओं से, कॉपर तथा इनके मिश्र धातुओं से, या ए और बी दोनों से।
तो लोहे और उसके जो मिश्र धातु हैं उनसे चुंबक बनाए जा सकते हैं। स्थायी चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ नरम लोहे से बेहतर? स्टील। अगर आपको स्थायी चुंबक बनाना है ना तो लोहे से बेहतर होता है स्टील। यानी कि ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्रोमियम, कॉपर, निकल तो नहीं। इसी तरीके से 90 नंबर का जो क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है कि किसी छड़ चुंबक के दो बराबर टुकड़े करना वैसा ही है जैसे क्षेत्र के एक परिनालिका को काटना, जिससे हमें दो छोटी परिनालिका मिल जाती है जिनसे चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? अपेक्षाकृत क्षीण होते, कम होते हैं ना, क्षीण होते हैं, कम होता जाता है, सबल नहीं होते, समान नहीं रहते, ए और बी दोनों भी नहीं होगा। निम्नलिखित में से कोयले के किस रूप में कार्बन की प्रतिशतता सबसे कम होती है? तो आप कह सकते हो पीट में जो कार्बन की प्रतिशतता होती है सबसे कम होती है पीट में। इसी तरीके से कोयले का शुद्धतम रूप है एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है ना वो कोयले का सबसे शुद्धतम रूप होता है एंथ्रासाइट। और कार्बन का अपरूपक जिसका उपयोग धातु के निष्कर्षण में होता है वह क्या है? वो है आपका कोक। क्या है? कोक। कास्ट चारकोल के कौन से गुण के कारण यह गैस मास्क बनाने के लिए उपयुक्त है? तो अच्छा अवशोषक जो है वो उपयुक्त है यहां पे। बीज बोने की आधुनिक विधि क्या होती है? सीड ड्रिल। क्या होती है? सीड ड्रिल। ये ऑप्शन आ चुका है पहले भी क्वेश्चन पेपर में, पहले बोल रहा हूं मैं, ये जो क्वेश्चन पेपर इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चन पेपर में भी आ चुका है, क्योंकि पहले मैंने 22 के डिस्कस करे ना, तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है, बल्कि वापस से 2 बार रिपीट हो चुका है साइंस में। निम्नलिखित में से नियमित कोशिका संरचना का अभाव होता है? विषाणु का अभाव होता है। किसमें? विषाणु का अभाव होता है। निम्न में से कौन सा उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया को दर्शाता है? वो है आपका केचुआ और चक्कू, दोनों दोनों उद्दीपन के प्रति उसको दर्शाता है, ए और बी दोनों राइट। और क्वेश्चन नंबर 98 के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या होगा इसका राइट आंसर। एडमेपिक पादप वे होते हैं जो सिर्फ कुछ ही स्थानों तक सीमित होते हैं, या सभी जगह पर नहीं पाए जाते हैं, वो कुछ ही स्थानों पर सीमित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। निम्नलिखित में कौन सा जंतु WWF का चिन्ह है? WWF, जाइंट पांडा। क्या? जाइंट पांडा। इसी तरीके से वह प्रजाति जो विलुप्त होने के कगार पर है कहलाती है, क्या कहलाती है वो? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड कहलाती है। और आई होप कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। आप सभी को आपके एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पेपर से काफी हेल्प मिली होगी। अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चंस में डाउट अगर आपको नजर आता है ना, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है ना इस नंबर को सेव कर लो, और यहाँ पे व्हाट्सएप पे अपने क्वेश्चंस के डाउट्स को पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसीएस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।